स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत रसल चौक के पास एक होटल में बीती रात मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने बम फेंके। बम अलग जगह पर फूटे लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ बल्कि होटल की खिड़कियां टूट गई। रात में हुए ये घटना होटल में लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। होटल में हुई बम की घटना की शिकायत ओमती पुलिस थाने में की गई है। पुलिस मामला पंजीबद्ध कर बम फेंकने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बम की घटना जिस होटल में हुई है वो कांग्रेस सरकार के मंत्री और मौजूदा विधायक है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बिग विग नाम के होटल में हुई बम फेंकने की वारदात मतदान के दिन पूर्व विधानसभा में हुई गोलीकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। होटल में हुई इस घटना की शिकायत रविवार को की गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बम फेंकने वालों की पहचान कर रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मैम कुछ होटल में बम की घटना तो किसी ने अंजाम दिया था, मामला दर्ज हुआ क्या? ये ओमती थाना अंतर्गत जो रसल चौक है वहाँ पर एक बिग बिग होटल है, उसके बाहर जो है बमबाजी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए हैं उसमें दो स्कूटियों पर अलग अलग तीन तीन लोग सवार थे जिन्होंने लगभग 3 बम फेंके। इसमें चोट किसी को भी नहीं लगी क्योंकि बाहर कोई उपस्थित था नहीं और उनको जो है ट्रेस किया जा रहा है। उनका नाम पता क्लियर होते ही उनको अरेस्ट किया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।